राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शश्र नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार दोस्तों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। होली रंग बिरंगे रंगों का त्यौहार है। सभी लोग एक दूसरे को खुश होकर रंग लगाते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली 2021 में कब है, होली का दहन का शुभ मुहूर्त और होली की पूजा विधि। उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है, जो जीवन में एक नया रंग भरता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्यौहार को मनाते हैं। मुख्य रूप से होली का त्यौहार दो दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन होली का दहन किया जाता है, जिसे दोस्तों छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन होलिका का पूजन करके शुभ मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। और इसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जिसे रंग वाली होली या फिर धुलेंडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 2021 में होली कब है, इसका शुभ मुहूर्त और होली का महत्व और कैसे करें होली की पूजा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, होली 2021 में कब है और किस समय इसका होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। देखिए दोस्तों, होलिका दहन की जो तिथि है वो है 28 मार्च 2021 और रंग वाली होली 29 मार्च 2021 को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:33 से 8:55 तक है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो आरंभ होगी वो होगी सुबह 4:57 से और समाप्त तो होगी अगले दिन रात 1:47 पर 29 मार्च 2021 को। अब बात करते हैं दोस्तों होली का महत्व। हिंदू धर्म में दोस्तों फागुन मास में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है इसको, क्योंकि इस महीने में रंगों का त्यौहार यानी कि होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार जीवन में नया रंग, उत्साह और उमंग लेकर आता है। दोस्तों, यूपी के मथुरा में तो होली का त्यौहार एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाता है। मथुरा की होली देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ की होली को मनाने के लिए लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। इसके अलावा बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, जहाँ पुरुष महिलाओं को रंग लगाती हैं और महिलाएं उन पर पुरुषों पर डंडे से पीटती हैं। होली का यह त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था, उसकी एक बहन होलिका को ब्रह्मदेव से अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उस राक्षस के एक पुत्र भी था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा और असीम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से घृणा करता था। उसने अपने पुत्र को मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा, जिसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका ही उस अग्नि में भस्म हो गई। इसी कारण से होली का त्यौहार बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और होलिका दहन के समय लोग अग्नि में अहंकार और बुराइयों को भी जला देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों होली पूजन की विधि। होली का पूजन शाम के समय किया जाता है, इसलिए पूजा के पहले स्नान अवश्य करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपने आसपास जहां होलिका बनी हो वहां जाकर पूजन करें। आप चाहे तो घर पर ही गाय के गोबर के उपयोग से होलिका बना सकते हैं। होलिका पूजन के समय अपना मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर करें और अपने आस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कें। इसका मतलब होता है कि आपने अपने बैठने और आसपास का जो स्थान है उसको पवित्र कर लिया है।
सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके उनका पूजन करें और फिर पूजा की थाली से रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बताशे, फल और एक लोटा पानी अवश्य ही लें। इसके बाद भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का ध्यान करें, क्योंकि दोस्तों हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने ही किया था और होलिका पर रोली, चावल, फूल, बताशे अर्पित करें और मोली को होलिका के चारों ओर लपेटें। अब प्रश्न आता है कितनी बार? 7 बार, 5 बार, कम से कम 7 बार आप जरूर लपेटें और धागे को तोड़े नहीं, उतना ही लेकर जाएं जितना आप लपेट सकते हैं और उसको वहीं छोड़ाएं। मोली लपेटने के बाद प्रहलाद का नाम लेकर होलिका पर फूल चढ़ाएं और नरसिंह भगवान का नाम लेकर 5 अनाज होलिका पर अर्पित करें। इसके बाद अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें और अपने गोत्र का नाम लें और होलिका पर चावल चढ़ाएं। अंत में होलिका के 7 या 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और अपने बड़ों के पैरों में गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। होलिका दहन अग्नि में बाले बुझने भी बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि गेहूं की जो बाले होती है, नई फसल जब आती है, अगर होलिका की अग्नि में आप उनको भूनते हैं और भून कर घर लाकर उनका सेवन करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए होलिका की अग्नि में बाले भूने और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ये बाले देकर होली की शुभकामनाएं दें। तो ये थी दोस्तों होली से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।